गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम शर्मिला, SS टीचर इन सूरत स्कूल महेंद्रगढ़। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलिटिकल पार्टीज टॉपिक पार्ट थर्ड, पॉलिटिकल पार्टीज इन योर सिविक्स बुक। टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज का, आपकी सिविक्स की बुक में है पार्ट नंबर थर्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी एंड फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, एंड लास्ट वीडियो में वी डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल, चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ कैन वी रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, हाउ कैन वी रिफॉर्म्ड पोलिटिकल पार्टीज, पोलिटिकल पार्टी को किस प्रकार से हम रिफॉर्म कर सकते हैं, पार्टीज़ के अंदर क्या क्या चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले टूडे मैं आपको वही सबसे पहले आपको वही चेंजेस करा रही हूँ जो ऑलरेडी चेंजेस हो चुके हैं, जो जिनको कोर्ट के द्वारा किया जा चुका है या जिनको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो चेंजमेंट आता है वो किसको लेके आता है, डिफेक्शन लॉ। किसको लेके आता है, डिफेक्शन लॉ। ठीक है, किसको लेके आता है, डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन लॉ को लेके आता है, जो किस प्रकार का चेंजमेंट किया गया है। एट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार का अमेंडमेंट किया गया टू प्रिवेंटेड द इलेक्टेड MLA और MP, इलेक्टेड MLA और MP फ्रॉम चेंजिंग पोलिटिकल पार्टीज। वो पोलिटिकल पार्टीज को कहता है चेंज करने से उन्हें रोका गया। दिस वॉज डन बिकॉज, ऐसा इसलिए किया गया, मैनी मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इन डगलिंग इन डिफेक्शन। बहुत सारे जो मिनिस्टर्स होते थे वो डिफेक्शन के अंदर कहता है इन्वॉल्व होते थे। एंड इन ऑर्डर टू बिकम द मिनिस्टर्स, या तो वो क्या बनेंगे, मिनिस्टर, या उन्हें क्या मिलेगा, कैसी रिवॉर्ड। ठीक है, मतलब वो इलेक्शन इलेक्टेड होने के बाद वो पार्टी को चेंज कर लेते थे, इलेक्टेड होने के बाद पार्टी को क्या कर लेते, चेंज कर लेते थे। ठीक है, मिनिस्टर्स बनने के लिए या किसके लिए, कैश रिवॉर्ड के लिए। बट अब जो डिफेक्शन लॉ, अब जो जो रूल है वो क्या कहता है, नाउ द लॉ सेज दैट, अब जो रूल क्या कहता है, नाउ द लॉ सेज दैट एनी MLA और MP चेंजेस द पार्टी, अगर कोई भी MLA MP पार्टी को चेंज करता है, ही और सी विल लोज द सीट इन लेजिस्लेचर। उस पर्टिकुलर कैंडिडेट्स का जो इलेक्शन है उसकी जो सीट्स है वो कैंसिल कर दी जाएगी। एंड नाउ दिस लॉ हैज़ हेल्प ब्रिंगिंग डिफेक्शन डाउन एट द सेम टाइम, एंड दिस हैज़ मेड द एनी डिसेंट इवन द मोर डिफिकल्ट। MLA और MP हैव टू एक्सेप्ट वट एवर द पार्टी लीडर डिसाइड, अब उन्हें वही करना पड़ेगा जो पार्टी के जो टॉप लीडर हैं वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कहते हैं MLA और MP को इलेक्टेड होने के बाद वन पार्टी से दूसरी पार्टी में होने जाने के लिए क्या किया गया, उनको रोका गया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आता है जो डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड आता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। सेकेंडली जो आता है, सेकेंडली जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, किसको लेके बनाए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को लेके बनाए हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं। सेकेंडली क्या आता है, द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द मनी। सबसे पहले कहता है मनी, और कहता है जो मसल पावर और क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज़ को दूर करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऑर्डर पास किया गया है, नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फिल एन एफिडेविट। उसे एक एफिडेविट फिल करना पड़ेगा गिविंग डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, उसे अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल देनी पड़ेगी, अपनी प्रॉपर्टी की प्रॉपर तरीके से उसे डिटेल देनी पड़ेगी कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट में कितने क्या चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, केसेस कितने क्रिमिनल केसेस उसके अगेंस्ट में चल रही हैं, सभी की डिटेल्स क्या करनी पड़ेगी, उसको देनी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा कहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आता है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स देनी पड़ेगी, उनकी क्रिमिनल केसेस के बारे में। उसे एक एफिडेविट इलेक्शन से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। ओके, नंबर थर्ड आता है, द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट इज़ नेसेसरी फॉर द पोलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नेसेसरी किया गया पोलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वो कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो इलेक्शंस वगैरह है वो कंटेस्ट कराए। ठीक है, और उसके बाद में कहता अपने जो रिटर्न इनकम टैक्स वगैरह है उनको, इनकम टैक्स वगैरह को क्या करे, रिटर्न्स करे। इस प्रकार से पार्टीज के द्वारा, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ इस प्रकार के क्या किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं पोलिटिकल पार्टीज को लेके। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है जिसमें हम, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये तो ऑलरेडी वो सारे के सारे चेंजेज हमने पढ़े हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम उन चेंजेस की बात करते हैं जिनमें, जिन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होना चाहिए,
कौन कौन से ऐसे चेंजेस जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होने चाहिए, अब उन चेंजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं, मतलब जो इसके इंटरनल अफेयर्स होते हैं, इसके जो आपसी मामले होते हैं, उसके लिए कहता कि क्या होना चाहिए, इंटरनल अफेयर्स के जो पॉलिटिकल पार्टी के शुड बी रेगुलेटेड, वो रेगुलेट होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी अपने जो मेंबर्स का क्या रखे, एक रजिस्टर्स रखें, एक रजिस्टर रखें मेंबर्स का कि उसकी मेंबरशिप कितनी है, जो भी कुट है टू फॉलो द ओन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास अपना क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग वो सारा का सारा रूल रेगुलेशंस क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। ओके, तो इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट होना चाहिए, उसकी मेंबरशिप का रजिस्टर होना चाहिए, पार्टी शुड हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी का अपना अलग से क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ओके, तो ये तो इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड था। सेकेंडली जो पॉइंट आता है, सेकेंडली हमारे पास जो आता है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द पोलिटिकल पार्टी टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकेट्स अबाउट 1/3 सीट। सबसे इंपॉर्टेंट है, 1/3 सीट से पोलिटिकल पार्टीज़ को किसके लिए रिजर्व करनी चाहिए, फॉर वुमेन। किसके लिए रिजर्व करनी चाहिए, वुमेन के लिए रिजर्व करनी चाहिए 1/3 सीट्स। जो मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स रिजर्व फॉर द वुमेन, वुमेन को कहता है उन्हें क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। सिमिलरली दे शुड बी कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। और पार्टी के जो डिसीजन होते हैं, पार्टी में जो डिसीजन लिए जाते, जो डिसीजन होते पार्टी में, उसमें भी किसका रोल होना चाहिए, वुमेन का रोल होना चाहिए। उन्हें भी बराबर की क्या मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये सारा का सारा रोल किसमें होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। ओके, तो हमने जो अभी इसमें क्या पढ़ा, एक तो हमने किसके बारे में पढ़ा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरनल अफेयर्स है वो रेगुलेटेड होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट, पार्टी अपने मेंबर्स को पर्टिकुलर एक रजिस्टर मेंटेन करें, इट मेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, वो अलग से अपना इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करें, जिसके अकॉर्डिंग पूरी पूरी पॉलिटिकल पार्टी क्या वो रेगुलेट हो। जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक पूरा सुप्रीम लॉ होता है, जिसके द्वारा हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंट्री रूल करता, कंट्री पर रूल होता है, इसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी अलग से अपना क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद नेक्स्ट आता है, 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। वुमेन के लिए कहता है कम से कम 1/3 सीट्स क्या होनी चाहिए, रिजर्व्ड होनी चाहिए। किसके लिए, वुमेन के लिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट ये तो आपका यहाँ तक। उसके बाद दे शुड बी स्टेट फंडिंग इलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट फंडिंग इलेक्शन। स्टेट फंडिंग इलेक्शन मतलब जो सारा का सारा जो खर्च है वो कौन देगी, सरकार देगी। स्टेट फंडिंग इलेक्शन होना चाहिए, सारा का सारा सरकार की तरफ से आएगा पर्टिकुलरली। तो क्या होगा, रिच और जो पुअर पीपल है उनमें जो इलेक्शन को कंटेस्ट करने की जो एक गैप होता है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दे शुड बी स्टेट फंडिंग इलेक्शन, द गवर्नमेंट शुड गिव द पार्टी मनी। गवर्नमेंट को कहता है पार्टी को मनी देना चाहिए टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन द काइंड, वो पेट्रोल, पेट्रोल के काइंड में हो सकता है, पेपर, टेलीफोन। इट कुड बी गिवन इन ए कैश ऑन द बेसिस ऑफ वोटर्स एंड सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। अलग अलग प्रकार से सरकार क्या करेगी, स्टेट फंडिंग इलेक्शन कराएगी सभी लोगों को, अलग अलग प्रकार से इलेक्शन के लिए एक्सपेंसेस के लिए कहते हैं उनको रुपए देगी। तो सारा का सारा स्टेट फंडिंग क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। इससे जो रिच लोगों का जो रोल है वो इलेक्शंस के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो रिच और जो काफ़ी रिच लोग होते हैं उनका जो इलेक्शन में रोल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म कर सकते हैं। ये हमने अलग अलग प्रकार के इनके रिफॉर्म पढ़े। उसके बाद में क्या होता है, सबसे मेन जो अब हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है कि सारे के सारे जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो कंट्रीज़ के अंदर मेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़, मेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा बनाए जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अंदर कोई भी रिफॉर्म, अब क्वेश्चन ये आता कि वो अपने अंदर रिफॉर्म करना चाहती हैं या दे डू नॉट लाइक दिस प्रोसेस, वो इस प्रोसेस को पसंद नहीं करना चाहती, ठीक है ना। तो इसमें क्या आता हमारे पास, इसमें सबसे बड़ा जो रोल हो सकता है वो किसका हो सकता है, एंड द पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टी। लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ पर प्रेशर बना सकते हैं, लोग पेटिशंस लगा सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। लोग जो पार्टी अपने अंदर रिफॉर्म करती है उसको कहते ज़्यादा से ज़्यादा कहते उसको सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस।